कि मैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन का आभार करूंगा। मुझे खरसवां विधानसभा क्षेत्र से ये तीसरी बार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार घोषित किया है और आज मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हूं और आज मैं पर्चा दाखिल करने के लिए आया हूं। मैं गुरुजी और उनके सुपुत्र आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, तेजस्वी बाबू का मैं हृदय से आभार करता हूं और खरसवां विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, आम जनताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमें दो दो बार खरसवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में सहयोग कर हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में दो दो बार खरसवां विधानसभा क्षेत्र से सेवा देने का अवसर हमें दिया है। ये मेरा तीसरी चुनाव होगी और इस बार तीसरी चुनाव में भी खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जनता और मतदाता का स्नेह और प्यार हमें मिलेगी, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई ही है जल, जंगल और ज़मीन की, मैंने हमेशा जल, जंगल, ज़मीन का लड़ाई को प्रमुखता से रखते हुए क्षेत्र का संपूर्ण विकास के लिए मैं 365 दिन में क्षेत्र में लगभग 350 दिन तक जनता का सेवा में लगे रहता हूँ और सरकार के स्तर से जो चलाई जाती है योजना, ऐसे योजनाओं को और जिला प्रशासन के द्वारा चलाई जाती योजनाओं को, वैसे योजनाओं को भी और हमारे निधि विधायक निधि के द्वारा चलाई जाती योजनाओं को, ऐसे सारी योजनाओं को जनता के मार्गदर्शन पर मैं धरातल पर उतार कर जनहित के मुद्दा को आगे बढ़ाने का मैं काम किया है और मेरी कोशिश है। मैं दो दो बार का विधायक रहा हूँ, इन 10 वर्षों में जो काम अब तक हम नहीं कर पाया और उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाया हूँ, तीसरी बार मुझे जनता यहाँ से अवसर देती है तो निश्चित रूप से मैं उस काम को भी आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। इस बार सरकार मैया सम्मान योजना दी है, क्या लगता है कि इस बार ऊपर प्रभाव पड़ेगा? ऐसी कौन सी योजना है जो आप नहीं कर पाए, जो भी उसकी उपाय? क्योंकि खरसवां विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो हमारे दो बड़े काम हैं, एक शुरू सिंचाई डैम है खरसवां प्रखंड के रायजामा, चैतनपुर, कांडेरकुटी इलाका में, और दूसरी 500 बेडेड हॉस्पिटल है आमदा में। ये दो बड़ी योजनाएं हैं हमारे विधायक कार्यकाल में। हम कोशिश करके शुरू सिंचाई डैम का काम को आगे बढ़वाया और मैं उम्मीद लेकर के चल रहा था कि इस 2024 के चुनाव के पहले मैं उसको पूर्ण कराऊंगा, पर पूर्ण हम नहीं करा पाए। अंतिम चरण में वो काम अभी है। उसी प्रकार से 500 बेडेड हॉस्पिटल, ये 2011 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इसका आधारशिला रखी थी, वो भी काम अब धीरे 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 काफ़ी धीमी गति से बन रही है। मैं सरकार के समक्ष कई बार 500 बेडेड हॉस्पिटल को पूर्ण कर जनता को समर्पित करने की दिशा में हमने विधानसभा में अपनी मांग को रखा है। सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर के इस बात को स्वीकारा भी है और चूँकि चुनाव अभी 1.5 महीना पहले ही झारखंड में हो रही है, इसलिए हम जो चिंता किए थे कि दो मेरी विधानसभा क्षेत्र का जो बड़ी योजना है इसको मैं चुनाव से पूर्व पूर्ण करवाऊंगा, पर नहीं हो पाया। मैं तीसरी बार खरसवां विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होता हूं और जनता हमें तीसरी बार के लिए विधायक चुनती है, तो खरसवां विधानसभा क्षेत्र में जो बड़ी दो योजना है, शुरू सिंचाई डैम का और 500 बेडेड हॉस्पिटल का, इस काम को आगे बढ़ा करके मैं पूर्ण करा करके जनता को समर्पित करने का मैं काम करूँगा। आपकी प्रतिद्वंदी इस बार जो जिला अध्यक्ष राम भूजा जी को लेकर क्या? क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मेरी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, तो इसलिए खरसवां का जनता कमर कस चुकी है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है और खरसवां विधानसभा क्षेत्र में एक आंधी चल रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सामने NDA कहीं नहीं टिकेगी। मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूँ, खरसवां विधानसभा क्षेत्र का, जनता का, मतदाता का जो हमें प्यार और इसने इन 10 वर्षों में मिला है, ये आगे भी प्यार हमें खरसवां के विधानसभा क्षेत्र के जनताओं का मिले, ये मैं विश्वास आप सबों को दिलाता हूँ। और इस बार की चुनाव खरसवां विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास रचने जा रही है और हम लगभग 50,000 के अंतर से
खरसवां विधानसभा क्षेत्र से इस बार 2024 में जीत दर्ज करूँगा।